करूंगा। कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस से क्या कुछ बातें चल रही है चिराग पासवान की और डील कहां तक पहुंची है, इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान की बातें भी मैं सुनाऊंगा। मगर उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चिराग पासवान का कहना है कि हमारी सभी पार्टियों से बात चल रही है, सभी से सहानुभूति की संवेदना प्रकट कर रहे हैं सभी पार्टी। उसमें कांग्रेस के कई नेता ने चिराग पासवान से संपर्क साधा है। चिराग पासवान बोलते हुए ये तमाम बातें जब बोल गए कि कांग्रेस के साथियों ने भी हमारे प्रति संवेदना व्यक्त की है, उन तमाम बातों को लेकर जो उनके साथ अभी प्रकरण चल रहा है एनडीए में बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर के, तो अब जैसे बीजेपी लगातार वो राम और हनुमान के प्रकरण से अब चिराग पासवान बाहर निकल गए हैं इसमें कोई शक नहीं है, तो क्या कांग्रेस अब उनको पाले में लाना चाहती है? तेजस्वी भी तारीफ कर चुके हैं चिराग पासवान की कई बार और चिराग पासवान भी वैशाली एमएलसी चुनाव में तेजस्वी को ही समर्थन करते हुए नजर आए हैं। मगर सबसे दिलचस्प जो बात है बिहार की राजनीति में कि अभी चिराग पासवान को लेकर सभी लोग उन्हें पकड़ने के लिए सभी पार्टी एक तरफ इधर से उधर हो रही है, तो कांग्रेस सोच रही है कि आरजेडी क्यों कांग्रेस ही पकड़ ले, और कांग्रेस के नेता संपर्क कर चुके हैं चिराग पासवान से, संपर्क यहां तक हो चुकी है कि कहा यह जा रहा है कि बस अब कुछ ही वक्त बाकी है जब वो एनडीए से अगर बाहर निकल गए, मगर एनडीए को इतनी आसानी से चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस भी इन बातों को नहीं समझ रही है, शायद इसीलिए इतने डोरे डाली जा रही है चिराग पासवान के तरफ। अभी ना चिराग पासवान का एक भी विधायक है और ना ही चिराग पासवान के पास चिराग पासवान के अलावे कोई उनकी पार्टी में सांसद है। हाँ, कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद उनकी पार्टी में आकर शोभा जरूर बढ़ा रहे हैं, मगर कांग्रेस के नेता तब भी चिराग पासवान को अपने पाले में लाना चाहते हैं, क्योंकि 5-6% जो एक मुश्त वोट है उस पर सबकी नज़र है। और हम अभी सुनेंगे कि क्या कुछ चिराग पासवान कल कैसे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के बारे में, ये तमाम बातें भी एनडीए के घटक दलों को बेहतर नहीं लग सकती है अगर ये बात वह सुन लेंगे तब। अभी फिलहाल सुनेंगे इस वीडियो में क्या कुछ कर में मेरा साथ दिया। मैं तमाम उन नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा, कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना समर्थन इस घड़ी में, और वो समर्थन चिराग पासवान को नहीं दे रहे या वो चिराग पासवान के साथ कोई दया या कोई सिंपति नहीं दिखा रहे, वो जो गलत हुआ वो उसके खिलाफ अपनी बातों को रखें। भाई, महापुरुषों का अपमान किसी भी परिस्थिति में जायज नहीं है। वो उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका गया, मूर्तियों को बाहर फेंका गया, वो तरीका गलत है। और इसमें एक बात और बता दूं कि मुझे ना सिर्फ राजद और इन्हीं की मैं बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की ही मैं बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सत्ताधारी दलों की भी बात कर रहा हूँ। भाजपा के तो कई ऐसे केंद्रीय और प्रदेश के नेता हैं जिन्होंने फ़ोन किया है, जदयू के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया पर इस तरीके पर आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई। क्या इतना कुछ होने के बावजूद पीएम मोदी के हनुमान आप बने रहेंगे जिस तरह से बीजेपी के? सवाल क्यों उठता है मेरी समझ में नहीं आता। एक घर से निकाल दिया, क्या वो घर इतना मायने रखता है कि पूरी बीजेपी के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं? भाई, मैंने कल क्या बोला? मैंने तो यही बोला कि मुझे तो इस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला ना। भाजपा ने मुझे या मेरे नेता जो आखिरी सांस तक उनके साथ थे उन्हें तो सम्मान नहीं दिया। पर इसको गठबंधन के साथ जोड़कर देखा जाए या राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाए, ये उचित नहीं है। भैया, आज कौन से चुनाव आज हो रहे हैं कि मैं किसी गठबंधन की बात करूं या मैं बोलूं कि मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ नहीं था। गठबंधन विचारों के आधार पर होता है, पर हाँ, साथ में सम्मान भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और ये सम्मान के साथ खिलवाड़ आने वाले दिनों देख रहे हैं कि किस प्रकार से चिराग पासवान ने सम्मान के साथ समझौता न करने की बात कही है और तमाम बातें। अब कांग्रेस से उनको बुलावा आ रहा है और कांग्रेस से क्या कुछ उनकी डील हुई है या क्या कुछ बातें हुई है वो तमाम बातें हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल वह कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क साध लिया है, तो क्या कुछ होगा तमाम बातें आप बने रहिए झकास भारत के साथ। हम लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट लगातार सुना रहे हैं और ला रहे हैं।